तो अभी छोड़िए इनको, जयराम महतो कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें नहीं लगते हैं, जब महत्वपूर्ण बनेंगे तब उनके बारे में कभी सोचा जाएगा। अब उनका जो है मन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद बनने का तमन्ना चल रहा है। हमें तो उनका आप भाषाई वाली लड़ाई कहाँ चली गई उनकी, 1932 लड़ाई कहाँ चली गई उनकी, वो केवल बोलते विस्थापित विस्थापित विस्थापित। क्या विस्थापित झारखंड का प्रमुख मुद्दा है? किसी न किसी टीम का बी पार्टी का बी टीम है। कौन पार्टी का बी टीम है? कम से कम कांग्रेस और जेएमएम का तो नहीं। सर, अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो झारखंड की राजनीति में जयराम महतो की चर्चा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जयराम कहीं ना कहीं झारखंड का एक युवा है जी, और हम तो कहेंगे कि झारखंड के युवा होने के नाते हर युवा को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो जयराम की जो राजनीति की जो दिशा है वो हमारे समझ से परे है। ऐसा क्या है सर जो आपके समझ से परे है? देखिए, कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है कैसे, जब राज्य सरकार ने भाषा को लेकर, राजकीय भाषा को लेकर नियमावली जारी किया, अधिसूचना जारी किया, उसमें अचानक तौर पर भोजपुरिया नहीं चलता, ये नहीं चलता, भाषा ही आंदोलन के रूप में वो आए। बिल्कुल सही, झारखंड है तो झारखंडी भाषा बोली जानी चाहिए जी। लेकिन जब वो झारखंडी भाषा आंदोलन में आए तो उस समय को उनका प्रारूप अलग था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतते चला गया उनका राजनीति का जो दिशा है वो बिल्कुल प्रिंसिपल है जो बदलते चला गया। दिक्कत क्या है? वो तो चाह रहे कि उनको लोग देख रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं वो। देखिए, कौन लोग देख रहा है? क्या झारखंड एक हिस्सा तक ही है? झारखंड कई जिलों से बना हुआ है, 24 जिला है इसमें, और हर जगह कहाँ झारखंड में जयराम की तूती बोल रही है। हाँ, जयराम को धीरे 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 लोग जानना शुरू किए हैं। और मुख्यमंत्री देखिए, आप सुदेश महतो जी को देखेंगे तो कई वर्षों से राजनीति में है, आज तक उन्होंने दावा नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो तो आंदोलन करते, जनसभा करते तो लाखों का भीड़ रहता है। देखिए, यही तो सोचने की बात है कि एक व्यक्ति किसी खास पार्टी के आईटी सेल में काम कर रहा था और अचानक उसके पास लाखों की भीड़, ये कैसे संभव है? वह किसी न किसी टीम का बी पार्टी का बी टीम है। कौन पार्टी का बी टीम है? कम से कम कांग्रेस और जेएमएम का तो नहीं। अच्छा, इशारा किधर है आपका, क्लियर बताइए। इशारा वह देखिए, कोई भी झारखंड में, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को आप ज़्यादा दिन तक अंधेरे में नहीं रख सकते। समय आने दीजिए, पता चल जाएगा किनका टीम है। वो एक तो रहस्यमयी आदमी है, एक ऐसा नेता है जिसका फंड कहाँ से आ रहा है उसको पता नहीं, बोलते हैं कि हमें जो है लोग सहयोग मिलता है, सहयोग कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं। भैया, आज तक तो हमारे जितने आसपास के लोग हैं, हम अलग अलग जिलों में बहुतों को जानते हैं, राजनीति से पिछले 10-12 सालों से हमारा नाता है, किसी ने नहीं बोला कि हमने 1 रुपया दिया। तो क्राउड फंडिंग का क्या उनका कंसेप्ट है? ये कहीं ना कहीं ये सच को छुपाने के लिए क्राउड फंडिंग का बात करते हैं। कोई विशेष पार्टी इन्हें प्रायोजित करके लाई है, ये बी टीम है। बी टीम है, बिल्कुल से बी टीम है, क्योंकि ये आए थे क्या बोल के, हम युवाओं के रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, हम यहाँ के प्रिंसिपल के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ के भाषा के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ाई कहाँ चली गई? आपको कहीं दिखता हो लड़ाई तो हमें बताएं। तो अब क्या लड़ाई चल रहा है? अभी उनकी लड़ाई नहीं चल रही है, अब उनका जो है मन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद बनने का तमन्ना चल रहा है। सर, ये बताइए सर, आप जयराम को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी बहुत वक्त लगेगा, भगवान उसे सब बुद्धि दे। और ख़ास करके हम उन्हें एक नसीहत देना चाहते हैं कि आप अपने जो सोशल मीडिया में जवाब देने के लिए कई अनपढ़ों की टीम को रखे हुए हैं, उन्हें शुद्ध हिंदी लिखते हैं, नहीं संसदीय भाषा में कॉमेंट करते हैं, कोई अगर उसे सलाह भी देता है तो अग्रिम भाव से ग्रसित होकर निगेटिव सोचकर उसका ऐसा उत्तर देते हैं जिसे पढ़कर कई लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो सबसे पहले मन और नियत साफ होना चाहिए। वो अपने चारों ओर ऐसे लोगों से सराउंडेड है जिनको संसदीय भाषा
व्यवहारिक भाषा मर्यादित भाषा आता ही नहीं है। मैंने कई स्क्रीनशॉट खींच के रखे हैं जिस पर कई लोगों को आपत्ति है और कभी भी उन पर मुकदमा किया जा सकता है, उन पर आरोप लगता है कि खास वर्ग के नेता बनते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो आरोप में सच्चाई भी है। आप उनके किसी भी पोस्ट में एक कमेंट डाल दीजिए, चाहे उनके फेवर का हो चाहे उनके अपोजिट हो, महत्व टाइटल वाले लोग आके उस पर हावी हो जाते हैं, उल्टे पुल्टे वहाँ पे कमेंट पोस्ट करने लगते हैं। अब जब ये उनको लगने लगा कि नहीं ये चीज़ अब सोशल मीडिया के थ्रू ग्राउंड पे रियलिटी पे तय हो गया कि हम केवल एक जात के नेता हैं, तब उन्होंने किसी किन्हीं ऐसे लोगों को लेना शुरू किया जो उनके ग्रुप में या पार्टी में आने के बाद उनके ग्रुप को और धूमिल किए। कोई बहुत बड़ा उनको आने से उनका कंसेप्ट को बदल नहीं दिया, सिद्धांत को बदल नहीं दिया। वो तो बोले हम झारखंड के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सा अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमें तो उनका आप भाषाई वाली लड़ाई कहाँ चली गई उनकी, 1932 लड़ाई कहाँ चली गई उनकी? वो केवल बोलते विस्थापित विस्थापित विस्थापित। क्या विस्थापित झारखंड का प्रमुख मुद्दा है? जब तक जमीन हमारे घर के नीचे में अगर सोना निकल जाएगा तो क्या सरकार इसको नहीं लेगी? लेगी। अब बोलते हैं कि जिस नियम से इसको होना चाहिए, रेट मिलना चाहिए, तो उनके लिए स्पेशल रेट तो नहीं मिलेगा, जो सरकार का नियम उसके अनुसार दिया जाएगा। तो उन पे ये सब चीज़ों पे इनको स्टडी करना चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ पर मैंने बताया 1932 मुद्दा है, यहाँ पर मुद्दा है कि जितनी भी केंद्रीय पार्टियाँ हैं या राज्य स्तरीय पार्टियाँ हैं उनको मजबूर करना चाहिए कि आप जब भी टिकट देते हैं लोकसभा का विधानसभा का तो आप कम से कम यहाँ के खतियानी लोगों को ही टिकट दीजिए, ये लड़ाई होनी चाहिए। सर, तो उन्होंने तो पार्टी बनाया है, JBKSS के नाम से उन्होंने एक पार्टी बनाया है। हाँ हाँ, उनका फुल फॉर्म आपको पता है क्या? किसी को पता है क्या? उनको खुद पता है क्या? आप पार्टी बना लिए, अभी रजिस्ट्रेशन शायद नहीं आया है, लेकिन वो कई फुल फॉर्म नहीं बताते हैं, पैसा कहाँ से आता है ये नहीं बताते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर किसी के पास नहीं होता, रहस्यमयी आदमी है वो, पार्टी रहस्यमयी है, उनका पार्टी का सिद्धांत कुछ पता नहीं है। तो अभी छोड़िए इनको, जरा महत्व कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें नहीं लगते हैं, जब महत्वपूर्ण बनेंगे तब उनके बारे में कभी सोचा जाएगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं लगते हैं? नहीं, मेरे नज़र में तो नहीं है। आपके नज़र में नहीं? मेरे नज़र में नहीं है वो महत्वपूर्ण। उनको इतने लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद कौन लोग कर रहे हैं? कौन लोग पसंद कर रहे हैं? जो लोग पसंद कर रहे हैं क्या वो परमानेंटली उसको पसंद करेंगे क्या? जनता कब किसको पसंद करने लगती है? इसका कोई लोग पसंद करते हैं जब उनका आंदोलन सही था तब, लेकिन चल के भाषण देते हैं, लेकिन जैसे वो अपना महत्वाकांक्षा को कर दी कि नहीं अब हम सांसद बनेंगे, उसके पहले लोग उनको पसंद किया, हमने भी उनको पसंद किया कि झारखंड संबंधी मुद्दाओं पे आना चाहते हैं, हम भी पसंद करते थे। जब पैसे पता चला कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो भाई 10 आदमी उनके पसंद से हट गया, अब बोलते नहीं हम सांसद बनना चाहते हैं तो 10 आदमी और हट गया। तो इस तरह से उनका जो ग्राफ था धीरे 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 डाउन हो रहा है, आने वाले 5-6 सालों में गॉन हो जाएंगे, कौन जयराम मात्र है आने वाला पीढ़ी भूल जाएगी।